विंटर सीजन की शुरुआत होने वाली है और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है स्नोफॉल को लेके। बहुत सारे लोगों ने तो इंटरनेट पूरा छान लिया होगा कि स्नोफॉल कब होगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा आपको नवंबर में कहां पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। तो साथ ही मैं बात करूंगा नवंबर में स्नोफॉल होता है या फिर नहीं, अगर होता है तो कहां पर होता है और कितने परसेंट चांसेस है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विंटर में जितने भी टूरिस्ट जो पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आते हैं, उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि उन्हें जो लाइव स्नोफॉल देखने के लिए मिले। अगर स्नोफॉल ना भी हो फिर भी एटलीस्ट उनको स्नो देखने के लिए मिले। कुछ लोग ऐसे भी टूरिस्ट होते हैं जो ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेके घूमने के लिए आते हैं और उन्हें जो बोला जाता है कि इस टाइम जो स्नोफॉल आपको मिल जाएगी और उन्हें स्नोफॉल नहीं मिलती है, जिससे कि वो निराश हो जाते हैं। तो इस वीडियो में वही क्लियर करूंगा नवंबर में स्नोफॉल आपको मिलेगा या फिर नहीं, अगर होगा तो कहां पर होगा और कितने परसेंट चांसेस है, तो सब डाउट में इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर मैं स्नोफॉल की सबसे फेमस डेस्टिनेशन की बात करूँगा, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर बात करूँ मैं कश्मीर की, तो कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, यहाँ पर जो स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं हिमाचल की, तो यहाँ पर शिमला और मनाली में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्नोफॉल होने के। इसके अलावा बात करूँ मैं उत्तराखंड की, वहाँ पर ऑल ईयर यूनिवर्सिटी में चांसेस होते हैं स्नोफॉल के। अगर बात करूँ मैं नवंबर की, तो नवंबर में विंटर की शुरुआत होती है, तो इस टाइम जो स्नोफॉल होने के चांसेस हैं वो थोड़े बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल नहीं होता है, स्नोफॉल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ जो स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होने के लिए दो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है, वो होती है बारिश और एक टेम्परेचर। अगर ये दोनों होगी तभी जो स्नोफॉल होगा। जैसा कि मैंने बताया, नवंबर में विंटर की शुरुआत होती है, इस टाइम जो आपको स्नोफॉल 10,000 फीट से ऊपर जगह पर होगा, क्योंकि नवंबर 10,000 फीट से ऊपर जगहों पे काफ़ी कम टेम्परेचर रहता है। अगर मैं 10,000 फीट से नीचे करूँ तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है कि स्नोफॉल हो सके। ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल नहीं होता, स्नोफॉल होता है, लेकिन जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो चलिए बात करता हूँ कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि 10,000 फीट से ऊपर है और वहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कश्मीर की, तो कश्मीर में एक तो आपको जोजीला पास हो गया जो कि 12,000 फीट से ऊपर है, वहाँ पर भी स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं गुलमर्ग के फेस टू की, उसकी हाइट भी 10,000 फीट से ऊपर है और वहाँ पर जो स्नोफॉल होने के चांसेस हैं नवंबर में वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10,000 फीट से नीचे स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर चाहिए और जो बारिश होनी चाहिए तभी जो आपको 10,000 फीट से नीचे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, जिसके की चांसेस जो नवंबर में काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो चलिए बात करता हूँ मैं हिमाचल की, तो हिमाचल में आपको मनाली में स्नोफॉल जहाँ पर होगा वो है आपका अटल टनल। इसके अलावा बात करूँ मैं रोहतांग पास की, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं सिसु की, तो वहाँ पर भी जो स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं नवंबर में। रोहतांग पास की हाइट 14,000 फीट से ऊपर है, तो वहाँ पर जो स्नोफॉल होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर जो वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो रोहतांग पास बंद हो जाता है, मैक्सिमम टाइम नवंबर के सेकंड वीक तो रोहतांग पास बंद हो जाता है। इसके बाद आपको अल्टरनेट साइड आपको आराम से स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करूँ मैं शिमला की, तो शिमला में जो देखा गया 3-4 सालों से नवंबर में स्नोफॉल नहीं हो रहा है। इसके अलावा बात करूँ उत्तराखंड की, वहाँ पर आपको केदारनाथ बद्रीनाथ साइड आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मैं आपको ये बोलूँगा, अगर स्पेशली आप स्नोफॉल के लिए आ रहे हो, तो आप जो दिसंबर में आ सकते हो, जनवरी में आ सकते हो, इस टाइम जो ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नोफॉल के, और आपको 10,000 फीट से नीचे भी आपको आराम से स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। आज की इस वीडियो बस इतने। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो, चाहे इंस्टाग्राम फॉलो करें या फिर नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।